फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पारस डिफेंस सिस्टम आईपीओ की। सबसे पहले तो उन सब भाग्यशाली भाइयों को बहुत बहुत बधाई जिनको पारस डिफेंस सिस्टम के आईपीओ में शेयर अलॉट हुए। बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन मिला, जबरदस्त, और स्टॉक अपर सर्किट पे क्लोज हो गया है। जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है, लेकिन अब आगे क्या संभावना बन रही है? क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि जबरदस्त लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो क्या इस प्रॉफिट को ले लेना चाहिए, या फिर आगे और कोई संभावना बाकी है? क्या यहाँ पे और ज़बरदस्त तेजी होने वाली है, या फिर संभावनाएँ यहाँ से गिरने की है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, बाजार के जो बड़े 8 एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेंगे, क्या कह रहे हैं वो पारस डिफेंस को लेकर। क्या ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है स्टॉक, क्या या जो इस लेवल है इससे भी आगे दोगुना तिगुना हो सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े प्रॉफिट के बाद क्या हमें अब प्रॉफिट ले लेना चाहिए, या फिर अभी हमें रुके रहना चाहिए। और जिसको भी नया निवेश करना है, जिसको आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं हुए, क्या इस लेवल पे एंट्री कर सकता है, या फिर अभी वेट करना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज पारस डिफेंस सिस्टम की लिस्टिंग बहुत ही शानदार हुई। जितनी संभावना थी उससे भी बेस्ट लिस्टिंग देखने को मिली है। बीएससी में करीब 171% अपर, यानी 475 पर लिस्टिंग हुई, जबकि एनएससी पर 168% ऊपर, 469 पर लिस्टिंग हुई, और लिस्टिंग गेन बहुत ही शानदार है। और जो अंदाजा था कि 100% ऊपर लिस्टिंग हो गई, लेकिन लिस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। और कंपनी ने जो अपना इशू प्राइस रखा था वो 175 का था, और करीब बाजार की शुरुआत से ही इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बनने लगा, और अभी फिलहाल तो ये तो अपर सर्किट पे क्लोज भी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूबल बाइंग हो रही है इसमें। कंपनी के 71.40 लाख जो शेयर के बदले 217.26 करोड़ रुपीज़ के इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगी, यानी 71 लाख के सामने 217 लाख। 175 की अपर प्राइस बैंड के हिसाब से करीब 38,000 करोड़ के शेयरों की बोली लगी है। कंपनी का इशू रिकॉर्ड 304 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व हिस्से से 112.81 गुना बोली लगी थी, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपने हिस्से में करीब 927.70 गुना बोली लगाई थी, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की जो हिस्सा था उसमें 169.65 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। तो बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन था, और शानदार लोगों को इसमें प्रॉफिट गेन देखने को मिला। पारस डिफेंस ने पुराने आईपीओ लिस्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इससे पहले 2017 में सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के आईपीओ ने 273 गुना की बोली जीती थी, और उसको उस समय सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था, लेकिन ये उसका भी रिकॉर्ड उसने तोड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिला। परंतु आगे जो संभावना बन रही है, क्या अब इस समय हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए? तो जो जाने माने बाजार के स्टॉक ब्रोकर और उनकी जो रिसर्च एनालिस्ट है, उनकी राय ले लेते हैं कि क्या कहना है उनका, और आगे क्या इस इतनी बड़ी शानदार लिस्टिंग गेन के बाद क्या निकल जाना चाहिए, या फिर अभी हमें इसमें वेट करना चाहिए। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज कंपनी रक्षा उत्पादक, रक्षा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन जैसे साधन बनाती है, और हैवी वेट इंजीनियरिंग कंपनी भी है। और भारत में पारस डिफेंस बड़ी मात्रा में इंफ्रारेड ऑप्टिक्स की अकेली निर्माता कंपनी है। कंपनी अपने आईपीओ फंड का इस्तेमाल मशीनरी और उपकरण की खरीदारी के अलावा अपने जो ज़रूरतों के लिए पूरा करेगी, यानी अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगी इन पैसों से। और रिटेल निवेशकों द्वारा पारस डिफेंस के आईपीओ में अच्छा रिस्पांस मिला था। रिटेल निवेशकों ने आईपीओ में करीब 35% की रिजर्व हिस्सा रखा था, उसमें से 112 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और कंपनी का एक लॉट 85 शेयर का था। इसमें आईपीओ के जरिए करीब 170.78 करोड़ रुपीज़ की रकम जुटाई है कंपनी ने। कंपनी के जो क्लाइंट है वो बहुत बड़े बड़े हैं, जिनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, गोदरेज एंड बायसे, TCS, इसरो, DRDO, भारत डायनामिक्स, साथ में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी जिनके बड़े बड़े कस्टमर क्लाइंट इनके हैं, ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ बेल्जियम, ग्रीन ऑप्टिक्स ऑफ साउथ कोरिया। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, और इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये कंपनी का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। जो रिसर्च एनालिस्ट है उनकी क्या राय है उसको भी देख लेते हैं। जियोदित फाइनेंस के गौरंग शाह का कहना है कि पारस डिफेंस का जो बिजनेस है वो बहुत ही शानदार है, और पारस की लिस्टिंग अच्छी हुई है तो कंपनी
जो फिलहाल अपने जो पैसे आएंगे उसके खर्च अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए करेगी। कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, अगर आपके मन में बनाया हुआ कि मुनाफा लेकर निकलना है तो लिस्टिंग गेन लेने में समझदारी है। नए निवेशकों को पारस डिफेंस के शेयर खरीदने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लिस्टिंग के बाद थोड़ा इंतजार करें, उसके बाद ही फैसला लें। और एस्कॉर्ट सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च आसिफ इकबाल के मुताबिक आगे चलकर पारस डिफेंस में काफ़ी अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है। हालांकि पिछले साल में कोरोना महामारी के वजह से कंपनी के फ्लैट ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन आगे पारस डिफेंस में तेजी से ग्रोथ की बढ़ने की उम्मीद है। सरकार की ओर से डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है और साथ में प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेशन भी डिफेंस सेक्टर में बढ़ रहा है। लर्न आरकेबी के राकेश बंसल का मानना है कि इस आईपीओ में बने रहना कोई समझदारी नहीं है। बाजार में दूसरे निवेश विकल्प जैसे निफ्टी बैंक के ETF और CPSE ETF में प्रवेश निवेश करना वही विकल्प बेहतर विकल्प होगा, तो इनके हिसाब से इस आईपीओ में बने रहने में कोई समझदारी नहीं है। और IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन का मानना है कि पारस डिफेंस का निवेशक का क्या आउटलुक है उस पर निर्भर करेगा। साथ ही सरकार द्वारा डिफेंस सेक्टर पर PLI के कारण सॉफ्ट रुझान देखने को मिल सकता है। निवेशकों को सलाह है कि वो कम से कम 75% तक का मुनाफा लेकर बाहर निकल जाए और निवेशकों को लिस्टिंग के बाद पारस डिफेंस से दूर रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल थोड़ा वेट करें और दूसरे सेक्टर में निवेश के बारे में सोचने को कहा गया है। और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च अविनाश गोरस्कर का मानना है कि लिस्टिंग के बाद पहले मुनाफा वसूली करने में ही फायदे का सौदा है। पारस डिफेंस की ग्रोथ काफ़ी मजबूत है, साथ ही कंपनी की ऑर्डर बुक 300 करोड़ रुपये का है। कंपनी आगे ड्रोन्स बनाने का कार्य भी शुरू करेगी। अगर ऐसे में लिस्टिंग के बाद गिरावट आती है तो निवेशकों को खरीदारी की सलाह दी जा रही है, वरना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो फिलहाल उनकी तरफ से ये राय दी जा रही है कि नीचे स्टॉक मिले तो इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए। वेंचुरा कैपिटल के रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आईपीओ का प्राइस बैंड 175 प्रति शेयर है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और कंपनी आने वाले समय में अच्छे विस्तार योजनाओं का प्लान है, जिसके जरिए आने वाले समय में टॉप लाइन परफॉर्मेंस से तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही वर्किंग कैपिटल को ध्यान में रखकर देखें तो थोड़े रेवेन्यू में फिलहाल दबाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को अगर लिस्टिंग गेन का फायदा जरूर उठाना चाहिए। वहीं मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस के आगे चलकर रेवेन्यू में बढ़त की उम्मीद है। साथ ही कंपनी कई नए प्रोडक्ट जैसे कि टर्नकी सबमरीन, पेरिस्कोप, ऑप्टिकल मल्टी, हाइपर स्पेक्ट्रल ड्रोन कैमरा और टेलीस्कोप और एंटी ड्रोन जैसे सिस्टम पर काम कर रही है, जिससे कंपनी के कारोबार को फायदा होगा। मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार द्वारा ड्रोन को लेकर PLI स्कीम से भी फायदा मिलने वाला है, जिससे लिस्टिंग गेन का फायदा जरूर उठाना चाहिए। अगर अच्छी खासी लिस्टिंग गेन मिलती है तो लेनी चाहिए, लेकिन आगे इसमें संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड के रिसर्च एनालिस्ट सौरभ जोशी के मुताबिक पारस डिफेंस की लिस्टिंग के बाद शेयर को होल्ड करना या बेचना इस बात पर निर्भर करता है कि लिस्टिंग गेन कितनी मिलती है। तो लिस्टिंग गेन अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा बता रहा है। जब तक शेयर का वैल्यूएशन रीजनेबल है हमें बिकवाली से दूर रहना चाहिए। नए निवेशकों को लिस्टिंग के बाद अगर खरीदारी करनी है तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करनी चाहिए। तो जिस तरह से इसमें तेजी बनी है, फिलहाल जो रिसर्च एनालिस्टों की राय है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और जैसे थोड़ी सी गिरावट आए तो उसके बाद में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, यही राय निकल के आ रही है। तो इस समय ये स्टॉक तो बहुत मजबूत है, अच्छा है, लेकिन जिस तरह से इसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो ये प्रॉफिट आपको लेना चाहिए। आने वाले समय में इस थोड़ी सी अगर प्राइस में गिरावट हो तो फिर से वापस एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अपर सर्किट लगाए तो कल भी तेज़ी की संभावना बनेगी। तो फिलहाल एक दिन के लिए आपको वेट करना चाहिए, कल अच्छी खासी जो भी प्रॉफिट मिले उसको लेकर आपको ना बाहर निकल जाना चाहिए, फिलहाल यही राय निकल के आ। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।